मॉर्निंग एवरीवन, आज फ्लाइट है अपनी 4:30 बजे इंडिया के लिए। और मैं एज यूजल अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कर रहा हूँ चाय से। तो अब चाय बना के थोड़ी सी घर की सफाई है। मेरा एक्चुअली प्लान था पहले 18th को जाने का, बेसिकली 18th ऑफ नवंबर। आज है 4th ऑफ नवंबर। और फिर मैंने अपनी प्रीपोन करवाई, मेरे को थोड़ा सा डेंटल इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ आ गया। बेसिकली मेरे दांत में दर्द होना शुरू हो गया, या फिर ये कह लो मैं घर वालों को याद कर रहा था, क्योंकि अनुष्का और कृषा पहले ही जा चुके हैं 8th ऑफ अक्टूबर को, तो उनको ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया गए हुए। लेकिन मेरा प्लान ये था कि मैं इस वीकेंड सफाई वगैरह करूँगा दिवाली की, क्योंकि मेरे को मोस्ट प्रॉब्ली मेरी दिवाली अकेले होने वाली थी। लेकिन अब दांत के दर्द के कारण लगा लो या जो भी है, अपना अपन लोग निकल रहे हैं जल्दी। अब दिवाली मनाएंगे इंडिया घर वालों के साथ आफ्टर 5 ईयर्स। ऑल दो मैं अवॉइड कर रहा था पहले जाना, यार दिवाली के टाइम पे पोल्यूशन होता है, लेकिन मज़ा तो त्योहारों का ही है। खैर इंडिया में तो जल्दी से ट्राई करूँगा कि जितनी जल्दी सफाई कर सकूँ, जितनी ज़्यादा उतनी करूँगा, जो नहीं हुई वो आके करेंगे। बस अब शुरू हुआ, बैग अपने पैक हैं, मतलब कुछ ज़्यादा खास पैकिंग थी नहीं मेरी, तो बस अपना ब्रेकफास्ट करके थोड़ी सी सफाई करके कार वॉश करनी है। 6 महीने हो गए मुझे अपनी गाड़ी धोए हुए, जाले लगे हुए हैं गाड़ी के ऊपर, चलाता नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा, तो वो करके फिर अपना निकलते हैं। तो मैं मेलबर्न एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं और मैं थोड़ा अपना टाइम से पहले हूं, तो वेट कर रहा हूं अपने लगेज की और चेक इन करने की। और मेलबर्न एयरपोर्ट पे सिंगापुर एयरलाइन ने नए मशीन्स डिप्लॉय किए हैं। इसमें क्या है कि बेसिकली आप खुद अपना बार कोड स्कैन करो, कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं करेगा, ये खुद बाद में वेट कर लेंगे। आपको स्टिकर्स इसी मशीन में से बाहर निकल के आएंगे, अपने बैग पर लगाओ और अपने बैग लगेज एरिया में ड्रॉप कर दो। वैसे तो अच्छा भी है और ये बुरा भी चीज़ है। अच्छा शायद इसलिए है कि थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जितनी मर्जी मशीन लगा दो, लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में भाई मैन पावर हटा रहे हैं, सब कुछ रोबोटिक कर रहे हैं। बट स्टिल देखते हैं, अभी मेरा वेटिंग है थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये रेड एम टाइम थोड़ा पहले पहुँच चुका हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। ऑल दो देखते हैं। तो मेरा पासपोर्ट चेक वगैरह इमिग्रेशन सब क्लियर हो गया और अब मैं जाने लगा हूँ। बहुत टाइम है मेरे पास, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। ये मेलबर्न का ड्यूटी फ्री है और ये इनका लेकर सेक्शन, और यहाँ मुझे एक ड्रिंक दिखी है बढ़िया वाली, इसका प्राइस है सिर्फ 38,800 डॉलर मैकेलन। तो मैंने नहीं ली, सस्ती थी 38,000। मैंने इनसे पूछा और महंगी दिखाओ, कहने लगे यही है सबसे महंगी हमारे पास। मैंने कहा यार कर दिया हम काम खराब, मन था नहीं मेरा ले लेता। चलो फिर देखते हैं लॉन्च में जाके, और फिर पहले अपना गेट घूमेंगे, उसके आसपास वाले लॉन्च में जाऊँगा, वहाँ पे देखते कैसा रहता है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ये स्टोर है बर्बरी वगैरह जितने भी बड़े बड़े डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं। कुछ खास बड़ा एयरपोर्ट नहीं है मेलबर्न का, कंपैरेटिवली दिल्ली सिंगापुर आसपास भी नहीं है, काम चलाऊ सर बेसिकली। तो ये मैं अपने गेट पे आ गया और ये मेरी फ्लाइट खड़ी है सिंगापुर एयरलाइंस A380 डबल डेकर, और गेट नंबर 9, और जो लाउंज है मैं जाने वाला हूँ द हाउस, जो दिखाया हुआ है यहाँ पे द हाउस लाउंज। तो मैं लाउंज में आ गया हूँ और काफ़ी अच्छा है, अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, बस आके अपनी सीट लिया जो मुझे कॉर्नर वाली सीट मिल गई है, बढ़िया एकदम। और पीछे मेरा ये प्लेन खड़ा है
सही है, दिख जाएगा जाने से पहले। जैसे टायर घुमाने लगेगा मैं यहाँ से आवाज़ मार दूंगा। ओए आ गया मैं। तो ये लॉन्च है, अच्छा है, क्वाइट नाइस, और सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है इन्होंने बनाया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और तो अभी मैं इसमें हाउस लॉन्च भी, जो द हाउस करके लॉन्च है, इसमें आ गया था। और वैसे डिसेंट साइज़ है, मतलब खाने के लिहाज से कोई ख़ास अच्छा नहीं है, क्योंकि बट ऑब्वियसली मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही कम है। इंडिया में हूँ तो कोई लॉन्च तो समझ भी आता है अगर ऑप्शन कम हो, लेकिन इनकी गलती नहीं है, मैं वेजिटेरियन हूँ, और गलती मेरी भी नहीं है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो वैसे सही लॉन्च है, मैं कोई रिव्यू नहीं कर रहा इसका एज सच, बस मैं आया हूँ तो एक एक्सपीरियंस ऐड कर रहा हूँ इसमें, और कुछ नहीं है कि मुझे कोई रिव्यू करना है इसका या कुछ है। वैसे अच्छा है, मतलब डिसेंट है, अच्छा है, फिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। तो यही है इस लॉन्च के बारे में, नॉर्मल वही जो लॉन्च में होता है, खाना पीना, ड्रिंक्स, कॉफ़ी, ये सब है। तो डिसेंट साइज़ है, सीटिंग अच्छी हैं, और ओवर क्राउडेड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वैसे ही ओवर क्राउडेड नहीं है, तो ये तो वैसे ही नहीं है, ऑल गुड। तो अब हम, मैं 3:30 बजे लगभग, 1 घंटे बाद मेरा, आधे घंटे में मेरा बोर्डिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि 4:40 पे, और उसके बाद फ्लाई करेंगे और सिंगापुर पहुंच के फिर 5 घंटे का सिंगापुर मेरा स्टे है, लेओवर है, फिर मैं इंडिया पहुंचूंगा कल सुबह 7 बजे। अभी सिंगापुर पहुंच के देखते हैं क्या करेंगे, 5 घंटे कैसे बिताने हैं, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी अकेले अकेले। तो यही है, तो मैं अब उससे अपना लाउंज से निकल गया हूँ, मेरा बोर्डिंग शुरू हो चुका है। ऑल दो वो अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, बट मैंने कंफर्म किया कि बोर्डिंग शुरू हो गया, तो मैं अपने गेट पे जा रहा हूँ और बस अब फ्लाइट लेते हैं और सिंगापुर चलते हैं, और कल घर अपने। मज़ा आ रहा है भाई घर जाने का, तो दिवाली घर पे मनाएंगे अब आफ्टर 5 ईयर्स। चलो देखते हैं। ये अपनी फ्लाइट खड़ी है, और बिकॉज A380 है ये, इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, तो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। चलो करते हैं अपना रेट लाइन में लग के, उसके बाद चलते हैं। तो अब मैं सिंगापुर पहुंच चुका हूं, और अब मेरी यहां से कनेक्टिंग फ़्लाइट है, लगभग 5 घंटे का हॉल्ट है उसके बाद अभी, लेकिन गेट वगैरह कोई डिक्लेयर नहीं हुआ कि कौन से गेट पे है, कल से लगभग 4 घंटे बाद होता है यूजली गेट का डिसाइड जो होगा। अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा, तो 1 घंटा मेरे पास भटकने के लिए, इधर उधर घूमूँगा, एक्सप्लोर करूँगा। सिंगापुर एयरपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट है वैसे, मेरे ख्याल से वर्ल्ड का आई थिंक बेस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड का, बहुत कुछ है यहाँ करने को, बट मैं अभी इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर करूँगा, हल्का फुल्का ही। रीज़न बीइंग कि मैं जब वापस आऊँगा इंडिया से, तो मुझे 6-7 दिन सिंगापुर ही रुकना है, तो तब देखेंगे अगर करा गया तो, लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है एयरपोर्ट पर ज़्यादा एक्सप्लोर करने का। अभी तो वही है कि अपना गेट पता चल जाए, कोई लाउंज देख के वहाँ बैठ के थोड़ी देर, थोड़ा अगर शॉवर का हो गया तो नहा भी लूँगा थोड़ा सा, इंडिया सुबह उतर जाऊँगा, फिर थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगा, ब्रश वगैरह करके अपना। तो चलो देखते हैं खैर क्या रहता है, बाकी फ्लाइट ठीक थी, बढ़िया थी, तो देखते हैं चल के कौन सा लाउंज मिलता है, क्या कुछ होता है। ओके, एयरपोर्ट अच्छा है, बड़ा अच्छा, बड़ा मेलबर्न जैसा नहीं है, छोटा सा भाई। वैसे बहुत तामझाम बनाया हुआ है इन्होंने अपने एयरपोर्ट पे, मूवी थिएटर भी है, बटरफ्लाई गार्डन, पता नहीं क्या, और अड़गम शड़गम
दुनिया जहान का एंटरटेनमेंट काफ़ी बड़ा और अच्छा एयरपोर्ट है। वैसे आगे अगर मैं दोबारा वहाँ जा पाया दिखाऊंगा। मार्केट में आई है पूरी, जैसे शॉपिंग सेंटर में होती है, मतलब वैसे नॉर्मल एयरपोर्ट पे होती है, लेकिन अलग सी फीलिंग है, वाइब जो है ना वो थोड़ी उस तरह की वाइब है रेडी मार्केट वाली फूड कोर्ट की यहाँ पे। और दो मैं ढूंढ मरावा लॉन्ज रहा हूँ, ये वाला एरिया मैं दिखाता हूँ, ये हवेली का कुछ नाम है इसका, हवेली इंडियन वेजिटेरियन। और इस एरिया को मैंने ऐसा बनाया हुआ है जैसे रेड़ियाँ लग रही हैं, ये देखो ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगी हुई हैं। अच्छा लगा मुझे लेकिन कंसेप्ट गुड। तो मेरा अभी गेट शो नहीं हो रहा था, तो मैं अभी मरावा लॉन्च में गया था, ये T3 पे है, और मेरे पास गेट जो शो, मतलब टर्मिनल जो शो रहा है वो T3 शो हो रहा है, जो मेलबर्न से जो बोर्डिंग पास मिला था उसमें से। और बट इन्होंने बताया कि जो फ़्लाइट है मेरी वो T1 पे है, तो मैंने यहाँ का कैंसिल करवाया लाउंज का एक्सेस, और अब मैं जा रहा हूँ T1 पे, क्योंकि स्काई ट्रेन लेनी पड़ती है यहाँ से T1 के लिए, और 1:30 पे वो बंद हो जाएगी, तो बेटर है मैं वहीं जाके एक बैठूँ इंस्टेड के मैं यहाँ पे पहले टाइम वेस्ट करूँ और फिर एंड में भागता फिरूँ। तो अब मैं क्विकली वहाँ जाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। बाय बाय। फाइनली मैं वहीं पे मरहबा लॉन्च जहाँ पे मैं शुरुआत में आया था उसी में दोबारा आ गया हूँ। इन्होंने मेरे को शुरू में बोला कि तेरा गेट शायद दूसरा है, लेकिन जब बाद में जब अनाउंस हुआ तो इसी के पास था वो, फिर मैं यहीं आ गया। और एक क्लोल ये हुई, मैं दोबारा आया इनके पास और मेरा कार्ड गिर गया, फिर मैं अपना कार्ड ढूंढने लग गया कहाँ गया, प्रायोरिटी पास वाला, जहाँ पे इंफॉर्मेशन काउंटर में गेट पता किया था वहाँ पे वापस गया, वहाँ गिरा पड़ा था, फिर उठा के लाया, फिर वापस आया इनके पास। और काफ़ी सही लॉन्च है, मतलब ठीक था। अभी मैंने बस शॉवर लिया है यहाँ पे, और डिनर में इनके पास छोले चावल है, तो सबसे बढ़िया चीज़ होगी ये तो खाने के लिए, तो इसलिए तो ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। अगर सिटिंग अरेंजमेंट वाइज देखें, और जैसे थोड़ा होता है ना भाई शोशेबाजी टाइप, तो जो मेलबर्न वाला था वो इससे फार बेटर था, लेकिन इनके पास खाने पीने के सामान ज़्यादा हैं, और अपने मतलब क्या है बेसिकली, वेजिटेरियन एक भी डिश मिल जाए अपने को वही बहुत है। तो छोले चावल मिले हैं, मैं दिखाता हूँ मैं कैसे हैं। ये है छोले चावल, बढ़िया अच्छा चना मसाला बना हुआ है, बढ़िया वाला स्वाद है, और वैसे भी काफ़ी बढ़िया। तो वही है, अपने को तो चना मसाला मिल गया खाने को, इंडियन खाना, स्वाद भी इंडियन है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कोई वैसे ही है, बढ़िया। चलो अब हम इसके बाद मिलते हैं इंडिया। भीड़ लगी हुई है, मैं अब अपने अगले गेट पे आ गया हूँ जहाँ से मुझे न्यू दिल्ली की फ़्लाइट लेनी है, और अच्छी खासी भीड़ है, बढ़िया वाली जिसे कहते हैं। मेरे पीछे दिखाता हूँ मैं कितनी तकड़ी भीड़ है, ये लंबी लाइन लगी हुई है, ये लंबी लाइन। ढाई बजे की फ़्लाइट है अभी, और 1:30 बज चुका है, हिम्मत नहीं हो रही मेरी जाने की, जाना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि ये तो भीड़ शायद बढ़ती चली जाएगी। को 5-7 मिनट वेट करता हूँ फिर मैं चलता हूँ यहाँ से, और पैरों में दर्द हो रहा है मेरे, अब नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। चलो 5-7 मिनट रेस्ट करके फिर निकलते हैं। तो फाइनली मैं इंडिया पहुँच गया, और जो बाहर मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये, मेरे को ऐसा लग रहा है पॉल्यूशन है, क्योंकि फॉग का टाइम तो है नहीं है यहाँ पे, और गंदे वाला हुआ पड़ा है, मतलब यानी कि स्मोग लगा लो जो भी है, ये बहुत ख़तरनाक है। अगर ये देख सकते हो अभी सुबह के 7 बजे में, और अजीब सा मौसम हो रखा है, हेजी टाइप का, और मतलब हेजी भी है कि नीचे भी धुआं धुआं सा है सब में। चलो मेरे को खुद को वेलकम टू
इंडिया, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जो भी मैंने दिखाया हल्का फुल्का, वो ट्राई करिए, बढ़िया रहा सारा एक्सपीरियंस। चलो ओके।